नमस्कार, हम हैं नरेंद्र मिसेर। आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के एक नया एपिसोड। आज हमारे साथ बाटे हैं डॉक्टर पीएन भट्ट साहब। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं या गोरखपुर में काफ़ी लंबे समय से अपन सेवा देते हैं। आप डॉक्टर साहब सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहे हैं और गोरखपुरिया भोजपुरिया से बहुत शुरू से जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब से आज भोजपुरी पर ना एक स्वास्थ्य के विषय पर हमन के बात कही जाए। तो डॉक्टर साहब आपके बहुत स्वागत बा, बहुत धन्यवाद स्टूडियो में। मानसून के समय चलता आजकल, मानसून के कहल जाला कि बरसात बीमारी का घर होगा। तो मानसून में कौन कौन से प्रमुख बीमारी होली, कई तरह के बीमारी होली, तनी एकरे बारे में बताएं आप। देखिए अभी से सारे अपने भोजपुरिया गोरखपुरिया भोजपुरिया दर्शकन के हमार बहुत बहुत प्रणाम बा। बड़ा सामयिक विषय रख ले बाटी यहाँ पे कार्यक्रम में। भोजपुरिया गोरखपुरिया पूर्वांचल में सुने जाए वाला या लोगन के द्वारा जुड़े रह वाला एक बड़ा अच्छा ग्रुप बा। हम अपन सबके एक उद्देश्य भाई भोजपुरी जो अपन भाषा बा ओकर प्रचार प्रसार कहाँ हो, लेकिन ओमन बड़ा अच्छा विषय रखले बाटी कि तमाम जो क्षेत्र का जानकारी होले वो हमरे अपने भोजपुरी भाषी लोगन करतीन भोजपुरी में। हाँ, भोजपुरी में रखल जाला। हमहूँ प्रयास करब कि भोजपुरिया में आपसे बतियाई। भोजपुरी क्षेत्र के रहे वाला हैं। गर्मी रहल अभी 2 महीना पहले अप्रैल मई जून के गर्मी रहल, बड़ा कस के गर्मी रहल, चिलचिलाती गर्मी। बारिश जब होला तो बड़ा तन निजात मिलल। आए आपके बताओ तो निजात तो मिलबे कराला, लेकिन जब ये बारिश आवला तो मौसम के जो गर्मी से अचानक बरसात के बीच में जो आर्द्रता होला, यानी आप ये समझिए कि जुलाई से लेके अगस्त सितंबर और लगभग अक्टूबर तक के जो कम पर मौसम कहल जाला, मानसून कहल जाला, तो ये मानसून में वायरस के बैक्टीरिया के और जो तमाम और परजीवी होला उनका बड़ा मुफीद मौसम भी होला। हाँ। उनके प्रजनन के, उनके बढ़ले के, उनके विकास भैले के, तो स्वाभाविक बात बा कि अगर वायरस बैक्टीरिया और फंगस की फैली तो कहीं ना कहीं हर लोग उसे प्रभावित हुई हैं, बीमार हुई हैं। अये बीच मौसम में मौसमी बीमारी बड़ा ही भयंकर रूप से फैलल बा। अब फैलबो करेले, हर साल फैलला, 3-4 भाग में अगर हम अपन कहें तो बांट सकल जाला कि बीमारी मौसम में कोने कोने तरह की बीमारी होले। एक तो बीमारी होले मच्छर से जो फैले ले, दूसर जो बीमारी होले जोन दूषित खाद्य पदार्थ और जल से फैले ले। हाँ, और एक तीसर बीमारी जोन और अभी फैले ले वायु से फैले ले जोन। अच्छा, एयरबॉर्न डिजीज। तो हम अपन अगर पहले चर्चा कर जाए तो मच्छर से फैले वाली बीमारी से हमारी क्षेत्र जोन बा, चूंकि तराई के बेल्ट है, पानी और जाड़ा और बरसात गर्मी सब अपने समय अनुकूल ठीक से फैला ला, और इस क्षेत्र में आर्द्रता से भरपूर क्षेत्र है, गर्मी से भी भरपूर है, ठंडा से भी भरपूर है, तो हर समय का सीजन कहते जो ना ऐसा बरसाते में बीमारी पूर्वांचल में हम अपन कह सकल जाला कि पूर्वांचल में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा पहले इंसेफेलाइटिस सबसे पहले। हाँ, आजकल तो हाँ नहीं हम अपन वहीं पर बात कर जाए। आइए समझ हम अपन के लगे मरीज बावत है उस सबसे ज्यादा होता है मलेरिया। मलेरिया, अब मलेरिया आप जनते बाटी प्लाज्मोडियम के नाम के एक मादा मच्छर होले, उसे कटले से होला। चूंकि मलेरिया जब मच्छर काटाला तो तुरंत पता नहीं चला, 4 दिन 5 दिन 8 दिन बाद वो धीरे धीरे शरीर में पता चला ला। और एक चौरों जान ली कि बच्चन में और बुजुर्गन में चूंकि जो उनका इम्यून सिस्टम होला, प्रतिरक्षा प्रणाली होला, वो जरा तनि जवानन से कम होला। कम होला, ऐसे ही जो मच्छर अगर एक दोनों जनी के काटल है, माने बच्चन के या बुजुर्गन के, बूढ़न के, तो उनके फैलने के और उनके उनमें पनपने का बहुत अच्छा मौका मिला। आज जब ही मलेरिया होला तो 7-8 दिन बाद से आप देख ले कि बच्चे ऐसे में बुखारे के आवत अटे। अब बुखारे के साथ साथ कभी कभी उनके बहुत ठंडा लगा था, जाड़ा दे के बुखार। हाँ, कभी कभी जाड़ा दे के बुखार आवा था, कभी कभी शरीर बहुत गर्म हो जाता, कभी ठंडा लगा था। तो ये बच्चे लोग तमाम मलेरिया के ये बीमारी के समय आवत अटे। दूसर जो बीमारी है समय मच्छरे कटले से होता वो देखिए ऐसे में बड़ा भयानक रूप ले ले बा, डेंगू। डेंगू, हाँ,
ऐसे में अगर 20 मरीज के आप जांच करी में तो अमन कम से कम 5 मरीज 4 मरीज डेंगू का आ जाता थे। और डेंगू का जो मरीज होता थे वो 4-5 दिन में पता चलता, डेंगू में लक्षण हुए होला। लेकिन डेंगू में कई बार देखे मिला था कि डेंगू के जो मरीज बांटे अगर वो कई दिन ले ठीक ना ही होता था, 5-7 दिन जो इंक्यूबेशन पीरियड उनका होला, बढ़ले पीरियड होला, खत्म होले पीरियड होला, तो डेंगू की बीमारी जो होती है ओमन मरीज अचानक कई बार अगर ओकर प्रतिरक्षा प्रणाली ढेर कम हो जाता, ओके बुखार आवा था, ओके ठंडी लगाता, ओकरे गर्मी लगाता, डेंगू में कई बार जो है सर दर्द होता। और डेंगू में एक चीज़ और, डेंगू की जो बीमारी होती है वो आँख का जो हिस्सा बा आँख के ऊपर भी बहुत तेज दर्द हो रहा, डेंगू में घुट जो गांठ होले शरीर का ओहू में दर्द होने लगा था, मांसपेशियों में भी दर्द होने लगा था। और आप जांच कराई अगर और जांच में अगर प्लेटलेट काउंट कम मिला था, शरीर के जो हमारे CBC के जांच हम कराई ले, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और हमारे प्लेटलेट है, अगर प्लेटलेट बहुत कम मिला था तो जान लें अगर डेंगू पॉजिटिव हुआ और प्लेटलेट कम मिला था तो ऐसी स्थिति में मरीज सीरियस हो जाता। और कई बार मरीज बहुत सीरियस हो जाता जबकि इंटरनल माने आंतरिक या बाह्य माने अंदर से भी ब्लीडिंग होने लगा था या कान नाक या टांगों से भी ब्लीडिंग होने लगा था, आँख से भी ब्लीडिंग हो, तो वो बहुत सीरियस पोजीशन हो जाला। तो दूसरा जो बड़ा भयंकर बीमारी बैठो एटो चिकनगुनिया भी बीमारी होले, चिकनगुनिया जो फैले ले। अच्छा ये देखिए कि ये दोनों मच्छर भी जो डेंगू वाले होले और मलेरिया वाले होले कब्बू काटल है, रतियम ढेर काटल है रतियम, लेकिन चिकनगुनिया वाले मच्छर वे जो बांटे हैं वो दिनम ढेर काटल है, वो ये जेटी नाम के मच्छर होला वही से यो फैलाला, लेकिन ये दिन में ढेर काटल है। अच्छा दिन में ढेर काटल है और सबसे ज्यादा ऐसे ग्रसित होने वाले चिकनगुनिया से बच्चे लोग हो जाते थे। अच्छा आप देखिए एक बात कि सांझे बच्चे लोग घूमे जाला हम मनोपजन भेजल जाला कि जा भाई तनी फील्ड में खेलिया हुआ, वैसी अलग बात बा कि आज लेके मोबाइल में ढेर व्यस्त बाटे, लेकिन हम पर प्रयास करे लेके जाते खेलिया हुआ। तो ये जो चिकनगुनिया वाला हुआ तो वो दिनों में काटल है, आज के हो जाला सारा सिम्टम, आज सिम्टम सब वही लगभग होला, सिम्टम सब वह होला। अच्छा एक मच्छर जो है कभी आप पहले चर्चा के लिए जो इंसेफ्लाइटिस वाला जेई वैक जो जेई था, जापानी इंसेफ्लाइटिस 1978 में हमारे पूर्वांचल में पहली बार देखे मिलल रहा, लेकिन पिछले 7-8 साल से जापानी इंसेफ्लाइटिस पर अभी कह सकते लगभग 12-14 साल से एक तो जनता में जागरूक और अपने प्रदेश में कम से कम गोरखपुर क्षेत्र में पूर्वांचल में इधर 3-4 साल से जापानी इंसेफ्लाइटिस के बहुत केस लगभग कहीं रेयर एक दो आयल हुई आयल हुई, नहीं तो सरकार के स्वास्थ्य विभाग के इतना प्रयास रहल कम से कम ही हम कह सकीला कि जापानी इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लगभग 90% अपन स्थिति पूरा लक्ष्य हासिल कर ले। और मैं सबसे बड़ी बात जानती हूँ कि जो ना अपन क्षेत्र के लोग बाटे हम जागरूकता जापानी इंसेफ्लाइटिस की सरकार के सुविधा जो बा हमारे PSC के CHC के योग्य डॉक्टर के उनका भी बड़ा, तो अब चूंकि ये तो लहर लहर बीमारी अब हम रहा लक्षण, लेकिन सबसे जो जरूरी बा जापानी इंसेफ्लाइटिस के आखिर कैसे दूर भइल, क्योंकि JE वैक्सीन का हम लोगों ने भरपूर खूब प्रयोग वैक्सीनेशन खूब सरकार वैक्सीनेशन करोल है। देखिए अपने हाँ अपने देश से देखिए पोलियो उन्मूलन हो गई वो वैक्सीन से उन्मूलन भइल, ठीक बा ना, उसी तरह से जापानी इसके लगभग उन्मूलन हो चुकल बा। और वो करती जो सबसे बड़ा है कि सरकार खूब जागरूकता कैले मतलब बीमारियन से बचावे खातिर वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन टीकाकरण बहुत महत्व खूब खूब महत्व हो रहा अपने लैकन के लोग लैकन के बढ़नन के सबके जो जो समय होला समय के अनुकूल जो उनके डॉक्टर कहता था जो सरकारी। अब तो बड़ा फायदा बा कि सरकार हर न्याय पंचायत स्तर पर नहीं तो ग्राम पंचायत स्तर पर वेलनेस सेंटर खोल दे बा, आंगनवाड़ी और आशा के माध्यम से खूब टीकाकरण होता और खूब जागरूकता सरकार फैलावती है कौन एमन शक नहीं। हाँ थोड़ा स्वास्थ्य डॉक्टरन का कमी बा स्टाफ का पक्का कमी बा वो धीरे धीरे पूरा होता, बहुत सारे नया मेडिकल कॉलेज खुलता था नया व्यवस्था बनती है तो धीरे 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 होता। लेकिन अभी जो मलेरिया जो मच्छर वाला बीमारी बाटे अब इसमें करे का बा बहुत जरूरी बा बचाओ। हम अपने दर्शक लोगों के अपने श्रोता बंधुन के यह बताओ चाहब कि यह बीमारी में सबसे प्रमुख चीज बा कि आप बीमारी आ ही नहीं अपने लगे मच्छर से बची तो पहला काम कि जब मैं सूती राज के तब मच्छरदानी का प्रयोग करी, जो क्वायल बाटे ओकर प्रयोग करी, क्वायल जब भी जलाई तो प्रयास करी कि हवादार कमरा रहे, हवा आवत जात रहे ना, क्वायल का जो धुआं होला उसे कबो कबो सांस में परेशानी होला बुजुर्गन के लैकन के तनाई होला, लेकिन जो लड़का अस्थमा के
या कोनो बीमारी के ओकर हिस्ट्री बा ओहू परेशानी होय लगला। तो पहली बात तो ई करी कि पहले मच्छरदानी लगाई, दूसरा क्वाइल जलाई, आ तीसरा जो सबसे बढ़हन कारण करे बा कि मच्छर के पनप ही न दें पानी। अब बस बस एक काम करी कि जौन घर के अगल बगल, हमारे घरे कूलर बाटे, बगल में कोनो टायर धैल बा, ओकरे बगल में कोनो खोना हाड़ी बाल्टी में पानी धैल बा, वो पानी के कुछ न करी, बदलल करी। कहा जब कई दिन रह जाई तो अगर मान ली हमने वो अंडा दे दिया तो के बढ़ले का मौका मिल जाई, आ जब बदल दे पनिया तो अंडा अपने आप खत्म हो जाई, अंदर वो आ नहीं पाई, कहा इसकी कोनो हम कॉयल जलोले बाटी, मच्छरदानी लगोले बाटी, ओके कोनो मिली नहीं। और तीसरा जो चिकनगुनिया से बचे के बा, जो और कारण से बचे के बा, हमके जरूरी ही बा कि पहले हम अपन जो बच्चे अगर खेलल जाते थे पूरे तो बच्चन के हाँ पूरे आस्तीन के पैंट और शर्ट पहना के पूरे पैर के और पूरे बाह के भेजी, प्रयास करी जूता पहना दें तो पैरों में नहीं कटी हैं, गंदे जगहों पर खेले न दें। तो मलेरिया से बचले के ये एक ठो बड़ा अच्छा तरीका बा, जोने जोने के टीका उपलब्ध बा ओके टीका लगोले के जरूरत बा। हाँ अगर केहू बीमार ऐसे ग्रसित हो जाता तो स्वयं मेडिकेशन के लिए जरूरत नहीं, स्वयं दवाई लेने की जरूरत नहीं बा, जो हम लोग घरे में करता टी अजान। तो कोरोना ने एक और हम अपन के ठो वो दे दिया, कोरोना का कहला कि सब लोग अपने अपने घरे दवाई रखें, हम अपन सब लोग गाँव हम देखा था सब लोग एक ठो लिस्ट बना के रख ले बटे। तो वो लिस्टिया कोरोना के समय में चूंकि वह समय मिलल जुलल कम रहा है, केहू मिलजुल नहीं पावत रहा, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पावत रहा, तो अब तो ऐसा कोई महामारी के समय नहीं हुआ, तो अपने जो स्थानीय स्तर पर डॉक्टर के जरूर दिखा लेक चाहिए, अच्छे डॉक्टर से दिखावे के चाहिए, अपने से सेल्फ मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं हुआ। अच्छा हवा से कौन बीमारी आजकल फैले ले बरसात के दिन? यह समय आप देखें कई जगह पर आप जात हो गए तो देखो तो मैं कि केहू मिल जाता कहा था भाऊ तीन चार दिन से बड़ा सर्दी जुकाम हो गया, जो इसमें सर्दी जुकाम बुखार, हाँ जो सर्दी जुकाम बुखार जो ने कहा सके लिए फ्लू कहल जाला, फ्लू वो फ्लू दोनों तरह का हो सकाला, वायरस वाला भी हो सकाला और बैक्टीरिया वाला भी हो सकाला, वायरस वाला भी हो सकाला और बैक्टीरिया वाला भी हो सकाला, दोनों अपने से ठीक हो जाना है। लेकिन अच्छा। अगर वह तनी गंभीर स्थिति रहेला तो मन परेशानी होला, चूंकि बच्चन के इम्यूनिटी कमजोर हो ले, घर में मान ली एक मन आपके भइल और आप घर में जाके खसली या छिकली सबके हो जाए, पूरा पूरा परिवार के एयर बॉर्न डिजीज जो हम अपन कहा जाला हवा से फैले वाला बीमारी, तो एक बार आपका ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलल तो पता चला अगल बगल जितना जनी घर में बैठल बाटे या ऑफिस में बैठल बाटे या हमारे क्लिनिक में बैठल बाटे जेके होखे ही ते अपन या तो मास्क लगावे या तो दूरी बना के थोड़ा ना तो दूरी बना के रखे, ज्यादा बेहतर रही। तो यह समझो सबसे बड़ी बात हुआ कि फ्लू फैलल बा। अच्छा खान पान से संबंधित बीमारी बताओ तो वो पर दूसरा यही बीच में देखिए आप इन्फ्लुएंजा फैलल बा, सर्दी जुकाम बुखार सामान्य रूप से शरीर में दर्द अकड़न गले में खरास सामान्य फ्लू का लक्षण, लेकिन वही में जब इन्फ्लुएंजा तो नाक बहता चाहे नाक जाम हो गया बा, और नाक जाम होला तो दोनों नाक और कान के नलिया एक के हो ले पेशेंट ट्यूब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े ला, जब नकिया कनवा नकिया जाम हो ले तो लैकन का कनो भी जाम हो जाला, और कई बार देखा जाए कान में से पनियों आवे लगा ला, तो वो एक समस्या आवे ले, तो ये नहीं रहा कि वो कान बहता बस वो जकड़ नहीं हो जाती कंजेशन हो जाले। तो इस समय इन्फ्लुएंजा का भी पीरियड बा, अब मान लें सर्दी जुकाम भइल बुखार आयल नहीं हम इलाज के लिए ठीक से या घर में और लोगों के वो छींक फैलल खांसी फैलल धीरे 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 का होला कि वो तेज बढ़े लगल अगर लड़का में तो निमोनिया हो जाता। बड़ा लोग बांटे तो उसे अगर उनके थोड़े भी भाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है मान लें अगर वही LRTI हो गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर हो गया तो कबो कबो वो परेशानी बढ़ जाए अगर मन बा बुजुर्ग बा तो करे अस्थमा का ही अटैक पड़ जाए। अब जरूरी बा कि ये बीमारी चाहे वो फ्लू हो चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो या आपके इन्फ्लुएंजा हो एक करती जो जरूरी बा कि जोने जोने का टीका उपलब्ध बा तो उन लगवा ले आदमी। हाँ बच्चन के टीका जरूर समय से लगवावें, आया अगर हो जाता तो डॉक्टर के जरूर दिखावें। ठीक है तो ये तो हवा से फैले वाली बीमारी बा, मने समझ जो एक तो मच्छरन से फैले वाली बीमारी से बचने की जरूरत बा हवा से। हाँ तेमन जरूरी बा कि और सबसे जो जरूरी बा कि भोजन के स्वच्छता मेंटेन कर जाए, और इतना नहीं जब आपके अगर हो जाता ये वायरल या फ्लू या इन्फ्लुएंजा ऐसा स्थिति में मरीज को गर्म और हल्का भोजन, गर्म हल्का भोजन और साफ सुथरा मतलब हाथ और आदमी धो, हाँ धो और सबसे जरूरी है बात कि मरीज नाक ढकले रहे, मास्क अगर उपलब्ध हो सके मास्क लगभग अब आज के समय में सबके पास बा सब घरन में बा
कोरोना ही करा दिले बा कि सबके घरे में चार ठो मास्क लटकल बा, तो लइकनों के मास्क लगावल जाए, अपनों लगावल जाए, ना ही मास्क बा तो कम से कम रुमाल तौलिया रख के ही छींके और खांसल जाए। या अगर सार्वजनिक जीवन में केहू बा तेकर जरूर उपयोग करे। अच्छा दूसरा चीज ही करे कि घर के खुला रखे, हवादार रखे, और यदि बीमारी शुरू होता तो चाहे लइके हो चाहे बढ़न हो, दो तीन दिन में जब ओकर पीक पीरियड रहला तो पीरियड में अगर प्रयास हो तो स्कूले से या सार्वजनिक स्थल गईले पर वो थोड़े अवॉइड कर ले, अवॉइड करे जरूरत, ऐसे कि ताकि हम आपन बीमारियां और लोगों के न दे पाई। तो ये तो हो गए हवा वाली बीमारी। आई तो जो सबसे बड़ा ऐसा बीमारी बा आप देखते हो मैं कि कहीं टाइफाइड के सुने मिला था, तो कहीं केहू के जॉइंटिस सुने मिला था। तो जो जल जनित बीमारी होती है या दूषित खाद्य पदार्थ से होता वो बड़ा महत्वपूर्ण बा, वो पर चर्चा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बा। जैसे जल जनित बीमारी में या दूषित खाद्य बीमारी में भाई हम गए और मार्केट में हमें का मालूम बा कि चाउमीन है और ये मोमो तीन दिन कर धैले बा पानी, माछी लगत, माछी लगत आ खुला में सामान बा और हम जाके खा ले ली। भाई आप बाहर गए ली ना ही मालूम बा कि कौन पानी तीन दिन पहले के रखल बा, आप तो देख लिया ओके पी लिया ली, ये आपके ना ही मालूम बा। तो जो पानी से और दूषित खाद्य पदार्थ से पहले वाली बीमारी बाटी वो बड़ा महत्वपूर्ण बा। और वो सबसे पहला आंत्र शोथ, जेके जेके आप आंतरिक ज्वर, फिर आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस या आपका ज्वाइंटिस या हिपेटाइटिस। तो जरूरी बा कि अगर टाइफाइड मान लो हो जाता उकर एक उकर आप जानते बाटी कि टाइफाइड भी जो बा एक तरह के बैक्टीरियल बीमारी होले, बिल्कुल साल्मोनेला टाइफी और दो तीन और जो बैक्टीरिया बाटे उसे फैलावे लें। टाइफाइड में आपके जब शुरुआती दौर में लइकन के या बुजुर्गन के, बड़े वालन के इम्यूनिटी थोड़ा कम होला तो ज्यादा अच्छा होला तो उनके थोड़ा जल्दी ना ही पकड़ाला, उनके तो सामान्य फ्लू के लक्षण की तरह से हट जाला। लेकिन लइकन में अगर बुखार मान ली हल्का हल्का बुखार होता या बुजुर्गन में हल्का हल्का बुखार रही पहले दो दिन चार दिन आठ दिन ले दस दिन ले, लगी कि खाना ना ही खाए चाहे मन ना ही करता, फिर लगी कि अब भूखिया ना लगाता, कई बार ये धीरे धीरे लेथर्जिक जोन स्थिति होले कह सकल जाला, जोने के सुस्ती आवे लगल, अब बुखार धीरे धीरे ओकरे बाद बढ़ा शुरू कर ला, मियादी बुखार अब सुन कहल जाला ओके। मियादी बुखार माने एक मियाद में होला, वो तुरंत नहीं होला, एक मियाद में होला जो ये समय सबसे ज्यादा फैला था। मियादी बुखार हर 10 जांच आप कराई बुखार वाले मरीजन में अगर 8 दिन 10 दिन से बुखार बा तो मियादी बुखार में हो गए बा। अब हमन मरीज के की भूख ना लगाता, बुखार हो जाता, पसीना आवता, कई बार सुबह सुबह उठले पर मिचली महसूस होता, तो ऐसे में जांच कराओ जरूर बा, और जांच करा के ओकर इलाज कराओ जरूर, डॉक्टर के दिखाओ जरूरी बा। और सबसे बड़ी बात टाइफाइड का टीको भी लगा ला, टीका लगा जांच अपने से ना करावे, अपने से डॉक्टर से आप दिखाई अच्छे डॉक्टर की फैशन भइल बा कि चला जांच करा ले तब। आप बताएं हम लोग डॉक्टर हैं, कई बार मरीज आवेल है तो कहना साहब 7 साल पहले गिरल रहनी है आ करपराम दुखाता तो तनी ठो सिटी स्कैन ना हो जाए चाहिए, मरीज तो मरीज हम पचन के डायग्नोसिस बतावेल है। तो डॉक्टर के भी ऐसे सावधान रहे चाहिए और मरीज के भी प्रयास करे चाहिए जे बीमार होता कि भाई अपने हिसाब से सीटी स्कैन न करावो, डॉक्टर अपने हिसाब से खून पेशाब का जांच न करावो, अपने हिसाब से तमाम एक्सरे और तमाम चीज ने जांच कराओ, बल्कि अपने क्षेत्र में जो डॉक्टर बा जी आपका फैमिली डॉक्टर बा जी आपका नाई के होगा तो बगल में PHC CHC बा, शरीर में बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ी जांच हो ले बहुत, तो हमें कौन जिचवा कराओगे तो डॉक्टर बताई ना। आजकल फैशन बा कि खुद जांच करा लेला, हाँ तब डॉक्टर ले जाता, डॉक्टर साहब नहीं देखिए जांच बढ़ल बा शुगर बढ़ल बा तब डॉक्टर के लग जाला ओके दवाइयो बतावे ला, हाँ कि डॉक्टर साहब हाई खा बढ़ल बा ही दवाई लेत आती तो देख ही लेती है कि तो अपने से बचे के चाहिए। हाँ तो टाइफाइड एक बीमारी होती है। अच्छा दूसरा बीमारी जो होती है उल्टी टट्टी वाली, आप इसमें देखो दस्त होता उल्टी होता टट्टी होता सामान्य रूप से हैजा जो घर में कल जला हम अपन काल रहा वो विब्रो कोलराई नाम की बीमारी जो हो ले। तो अब मान ली कि वो मरीज के बाहर गए कोनो खैले खाना दूषित खाना रहल खाना भी दूषित खैले घर में भी मान ली दो टाइम के बसिया बा। आज समय में एक और कह हम जिक्र लगे अपने श्रोता बंधु से कि बहुत सारे लोगों के घर में फ्रिज बा, सबके घरे लगभग लगभग फ्रिज बा, और हम लोग सोची लग नहीं 5-6 दिन 4 दिन फल पड़ल बा तो फ्रिज में खराब नहीं हुई। फ्रिज में जब 6 दिन रही या मान लियो फल हम बाहर से ले आए बाटी फल के हम गर्म पानी ने नहीं धोले बाटी और साग के बाद गर्म पानी में नहीं धोले बाटी तो अगर एक को जीवाणु हमन वो सब्जिया में मुरैया में और कोनो चीज में लगल रही तो ओके फैलले को वहाँ मौका मिल जाए 6 दिन ले फैल, हाँ 6 दिन में फैल जाइए। और बाद जो खनवा हम रखले रह जब खनवा निकाल के हम खाबे तो उनके पनियो दूषित रही खनो दूषित रही मिठाई धराइल बा ओहो दूषित रही उमन जन दूध धराइल बा ओहो दूषित रही
तब बेहतर ही बात 4 दिन 5 दिन में हमें अपन हफ्ता में एक बार दो बार कम से कम हम अपन फ्रिजो साफ करके चाहिए। बिल्कुल लंबा समय तक कोनो खाना नहीं रखे चाहिए। तो अब मान ली गंदगी हो गई, हम ही सोचा था बाहर हम कोनो चीज नहीं खेले बटी घर ही में हमारे बीमारी मिल गई। कबो बार यो देखी 2 टाइम 3 टाइम एक बार का आटा सानल यूज कर लिया जाता है। कह रहे चलो इतने जो जल्दी कामकाजी महिला है कामकाजी लोग हैं, हम अकेला कोई युवा है स्टूडेंट है, वो जल्दी खाना बनाया थोड़ा आटा रख के चला गया। फिर शाम को नहीं खा पाया कहीं पार्टी में चले गए और दूसरे दिन वहां फिर होके बनो ले तो पता चला तबले वो इन्फेक्ट हो गई। बिल्कुल ओहू से बचे चाहिए। काहे से की बीमारी में आप देखिए कि जब कालरा बीमारी होला पेट दर्द उल्टी बार बार दस्त होल वाटरी मोशन एकदम पानी की तरह लैटिंग होने लगे ले उल्टी होने ले और छोट बच्चा बात तो कर शरीर में पानी बहुत कम होला डिहाइड्रेशन बड़ा तेजी से होला बहुत तेजी से। तो डॉक्टर के पास अगर गए से पहले चाहे भले ही उल्टी होता टट्टी होता सबसे पहला काम ORS अपने से ORS के तो आप समझिए कि केहू भी हमारे दर्शक लोगन ORS आप अपने घरे रख सकीले सामान्य बुखार करते पैरासीटामॉल का गोली या सिरप रख सकीले ये तात्कालिक रूप से इमरजेंसी ये दो काम आपके घरे हो जाए कि मान ले बुखार आ गया तो पहले बुखार के दवाई दे सकीले कहा इसको सेफ रहे ले और बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करी ताकि कोनो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो आगे कोनो परेशानी ना हो। तो मान लिया अगर हैजा हो गई कालराजो ने कह जला तो वही स्थिति में बहुत तेजी से निर्जलीकरण होला। वह निर्जलीकरण के पूरी करते करे करते एक तो अच्छा दवाई चाहिए, दवाई से मान ले कंट्रोल ना होता तो भर्ती करे पड़ी। बिल्कुल ग्लूकोज चढ़ावे पड़ी सुई देव पड़ी उल्टी की दवाई देव पड़ी उल्टी की सुई लगावे पड़ी गैस की सुई बड़ी परेशानी होला। तो एक तो ये हो गया एक अभी और एक और बीमारी आपके रोज हम अपन के देखे मिलती है बच्चा आयल साहब बच्चवा खात नहीं बा बुजुर्ग भी बाटे बहु भूख नहीं लगाता डॉक्टर साहब शरीर पियर हो जाता पिशाब पियर होता मल के पियर होता आंख पियर दिखाई देता। ऐसे में डॉक्टर के निगाह से सीधे सीधे जाबे कराला लेकिन कि इनके जॉन्डिस हो गए। अब जॉन्डिस में भी होला का कि बच्चा आपके दिखाई तो दे बच्चा भूख लगल कम हो गई बच्चा साहब पियत नहीं बा दूध पेशाब पियल कर पीला करता पीला देखिए खियो पियर लगाता बार बार उल्टिया करत तो नहीं बा लेकिन मिचली आवा था लैकवा के कितना दिन हो गए तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन। तो ये भी बीमारी अपने आप में बड़ी ऐसा भयंकर रूप से फैलल बा बहुत खतरनाक खतरनाको बा कहे से कि जब सीरियस हो जाला तो उसमें इंसेफेलोपैथी फैलती है जब लेकिन वो एक लास्ट मोमेंट में होला शरीर बहुत ज्यादा लंबे समय तक होता है तो ब्लड जो टूटता है हेमोलिसिस जो ब्लड की होती है तो एक बड़ी वो ऊपर का परेशानी हो जाला। लेकिन काहे हम ऊपर के ले आवे जाए बेहतर बात की शुरू में तो खान पान की अगर टाइम से अगर डॉक्टर के लग गए आप चल गए तो कंट्रोल हो जाला लापरवाही भाई बस बस पहले काम करिए कि हम ऊपर खान पान में पहले ध्यान दें। अच्छा एक चीज और सबसे बड़ी बात एक बीमारी और हेपेटाइटिस वाला जो बोले वो जॉइंटिस के बाद वाले यो एक बीमारी होला जिसमें हेपेटाइटिस ए जॉइंटिस है हेपेटाइटिस में बदल जाला तो इहो छुआछूत से हो जाला जे हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी जोन होला छुआछूत से होला तमाम तरह से ओकर फैले के कारण होला। तो हेपेटाइटिस ए का भी टीका उपलब्ध बा हेपेटाइटिस बी का भी टीका उपलब्ध बा तो जो और कालरा के लिए भी टीका उपलब्ध बा टाइफाइड के लिए भी कौने उम्र के लोग टीका लगवा सकेले। देखिए सब चीज के लिए सब अलग अलग टीका जैसे टाइफाइड का टीका क्यों लगवा सकला कालरा का भी टीका उपलब्ध बा हेपेटाइटिस ए का टीका हाँ लगवा सकीले। तो टीका बहुत जरूरी बा कि एक टीकाकरण हो और 2-3 और जो ने पर आप इंसेफ्लाइटिस पर चर्चा के लिए वो बड़ी समस्या पूर्वांचल कर रहा। एक चीज और हमारे देवरिया कुशीनगर में पहले के जमाना में आप अब वो जाए तो बुजुर्ग लोग जो मिलत अटे वह एक बीमारी के भारत में जो सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की एक किताब पढ़ावा जाए मेडिसिन में तो एक हाथ इंसेफ्लाइटिस जिसको फील पाँव या हाथी पाँव भी कहते हैं वो क्या कहते हैं इंसेफ्लाइटिस नहीं फाइलेरेसिस तो वो हमारे वहाँ से उसका पूरी तरह से उन्मूलन हो गया हाथी पाँव हाथी पाँव जो फाइलेरेसिस अब नहीं जिसमें घेगा रोग हो जाता था हाथी आयोडीन की डिफिशियंसी के नाते तो वो हो जाता रहा पहले अब वो नहीं होता इंसेफ्लाइटिस नहीं होता तो पूर्वांचल में अब काफ़ी कुछ है यह बीमारी से निजात मिल गई बा। लेकिन अब भविष्य में ना हो पावे ओकरे करते हमारे सावधानी सचेत रहल और टीका लगवावल बहुत जरूरी बा। तो अविनाश आप सुनत रही बतकही डॉक्टर PN भट्ट के साथ है मानसून के समय में कौन कौन बीमारी होले उसे कैसे बचाओ कैसे करी तो डॉक्टर साहब से बहुत उपयोगी जानकारी हमन के मिलल। अब आप दर्शक लोगन से अनुरोध बा कि ये वीडियो के आप देखी
और लोगन तक पहुँचाई, एक शेयर करी और हमन के जो एक अभियान बा भोजपुरी भाषा के सशक्त करे के और ओके सम्मान देवे के, ओमे अपन भागीदारी सुनिश्चित करी। सबके हमार नमस्कार। नमस्कार।